गुरु अंगद देव जी का जन्म पंजाब में फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के हरीके नाम के विलेज में 31 मार्च 1504 को हुआ था। इनके पिता का नाम भाई फेरू मॉल जी था, जो कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर थे। इनकी माता जी का नाम माता रामो जी था। क्योंकि भाई लहना जी एक हिंदू परिवार से बिलोंग करते थे, इसलिए बचपन से ही ये हिंदू गॉडेस माता दुर्गा जी को वर्शिप करते थे। इन्होंने जनवरी 1520 में माता खीवी जी से शादी की और इनके दो बेटे और दो बेटियां हुईं। मुगल जो बाबर के साथ आए थे, उनके द्वारा किए जाने वाले नुकसान के कारण इन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ा। इसके बाद ये अपने परिवार के साथ तरन तारण साहिब, जो कि अमृतसर शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक छोटा शहर है, के पास ब्यास नदी के किनारे खडूर साहिब विलेज में बस गए। एक बार भाई लहना जी ने गुरु नानक साहिब के एक सिख भाई जोदा जी से गुरु नानक साहिब का एक भजन सुना, जिसे सुनकर वे बहुत ही खुश हो गए और वे गुरु नानक साहिब को मिलने के लिए निकल पड़े। गुरु नानक साहिब के साथ उनकी पहली मुलाकात ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। इन्होंने हिंदू देवी की पूजा को त्याग दिया और खुद को गुरु नानक साहिब की सेवा में समर्पित कर दिया और उनके सिख यानी स्टूडेंट बन गए और करतारपुर साहिब में रहने लगे। गुरु नानक साहिब और उनके मिशन के लिए इनकी भक्ति इतनी महान थी कि उन्हें खुद गुरु नानक साहिब ने 7 सितंबर 1539 में सेकंड नानक के रूप में स्थापित किया था। इससे पहले गुरु नानक ने डिफरेंट तरीकों से उनको टेस्ट किया और उनमें ओबीडियंस और सर्विस की एक्सट्रीम क्वालिटीज पाई। गुरु नानक ने उन्हें एक नया नाम दिया, अंगद, जिसका मतलब होता है वंस ओन लिम्ब। गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक साहिब की सेवा में करतारपुर में 6 to 7 ईयर्स बिताए। 22 सितंबर 1539 को गुरु नानक साहिब के सचखंड जाने के बाद गुरु अंगद साहिब ने करतारपुर को खडूर साहिब गांव के लिए छोड़ दिया। इन्होंने गुरु नानक साहिब के मैसेजेस को लेटर और स्पिरिट दोनों में आगे बढ़ाया। गुरु अंगद देव जी ने उस समय के अनप्रिविलेज लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए स्कूल्स की शुरुआत की और गुरुमुखी स्क्रिप्ट को भी डेवलप किया। इन्होंने आम लोगों को एजुकेशन और कम्युनिकेशंस के मीन्स प्रोवाइड किए, जिन्हें अब अपने खुद के इकोनॉमिक, एजुकेशनल और स्पिरिचुअल गोल्स को अचीव करने के लिए किसी रिलीजियस या पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। गुरु नानक साहिब के समय में भी इम्परफेक्ट पंजाबी अल्फाबेट्स मौजूद थे, लेकिन गुरु अंगद देव जी ने इसे मॉडिफाई और पॉलिश किया। अब क्योंकि गुरु अंगद देव जी ने इन अल्फाबेट्स को अपनाया था, इसीलिए इसे गुरुमुखी कहा गया, जिसका मीनिंग है विच इज स्पोकन थ्रू द माउथ ऑफ द गुरु। गुरुमुखी राइटिंग का वो मीन्स बनी जिसमें गुरुओं के शब्द और गुरबाणी लिखी गई। हालांकि पंजाबी अल्फाबेट्स का ओरिजिन क्लियर नहीं है, लेकिन ये जरूर क्लियर है कि गुरु अंगद देव जी ने 1541 के आसपास सिखों के बीच इस सिंपल गुरुमुखी स्क्रिप्ट के यूज को पॉपुलराइज किया था। गुरुमुखी के इन्वेंशन ने शुरुआती सिख कम्युनिटी को संस्कृत रिलीजियस ट्रेडिशन से अलग करने में मदद की। गुरु अंगद देव जी के इस कदम से सिख धर्म का डेवलपमेंट और भी तेज हो गया। गुरु अंगद देव जी फिजिकल फिटनेस में भी इंटरेस्ट रखते थे और अपने फॉलोअर्स को उनकी सुबह की प्रेयर के बाद स्पोर्ट्स में शामिल होने के लिए मोटिवेट करते थे। गुरु अंगद देव जी ने लोगों को एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए मोटिवेट किया। गुरु जी के अकॉर्डिंग अगर आप फिजिकली फिट हैं, तो आप जीवन के बड़े से बड़े गोल्स का पीछा कर सकते हैं और उन्हें अचीव कर सकते हैं, क्योंकि एक हेल्दी माइंड सिर्फ एक हेल्दी बॉडी में ही एग्जिस्ट कर सकता है। इन्होंने समाज के अंडर प्रिविलेज सेक्शंस को फिजिकली फिट बनने का मौका दिया। इन्होंने सभी लोगों को मॉल अखाड़ाज या रेसलिंग बाउट्स में हिस्सा लेने के लिए एनकरेज किया। इनके इसी तरह के स्टेप्स ने एक ऐसे सिख कम्युनिटी की फाउंडेशन तैयार की जो कि स्पिरिचुअल, एजुकेटेड, एनलाइटेंड एंड हेल्दी थी और जो कभी भी कास्ट और क्रीड में डिस्टिंक्शंस नहीं करती थी। उस समय वुमेन की सिचुएशन बहुत ही खराब थी, क्योंकि उस समय वुमेन को मेन से इन्फीरियर समझा जाता था। वुमेन अपने घर तक ही सीमित थी और उसका किसी भी पब्लिक वर्क में पार्ट लेना अलाउड नहीं था। गुरु साहिब ने यह मैसेज दिया कि भगवान के सामने मेन एंड वुमेन दोनों इक्वल हैं। इन्होंने वुमेन का संगत में वेलकम किया, इन्हें कंधे से कंधा मिलाकर पेश किया और उन्हें रिलीजियस राइट्स भी दिए, जो कि अब तक उनके लिए डिनाइड थे। गुरु अंगद देव जी हमेशा अपनी पत्नी माता खीवी जी के साथ मिलकर काम करते थे। माता खीवी जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गुरु के दरबार में वुमेन लीडरशिप पोजीशंस को बढ़ावा देने में।
माता खिवी जी ने लंगर सेवा की संस्था को बनाने और बनाए रखने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, जहां हर धर्म और जाति के लोग एक साथ बैठकर लंगर सकते थे। आज भी सिख गुरुद्वारों में जाने वाले सभी लोग लंगर सेवा में हिस्सा लेते हैं और एक साथ बैठकर लंगर सकते हैं। गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक साहिब के एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए गुरु अमरदास जी को अपने सचखंड जाने से पहले अपने सक्सेसर के रूप में चुना। इन्होंने गुरु नानक साहिब से मिली सभी पवित्र लिपियों को गुरु अमरदास जी को प्रेजेंट किया। गुरु अंगद देव जी मार्च 29, 1552 को 48 साल की उम्र में सचखंड को रवाना हो गए। गुरु अंगद देव जी कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी के लिए खड़े हुए, जिसमें कोई भी एक दूसरे से सुपीरियर नहीं था और कोई भी ग्रीड और सेल्फिशनेस के मीडियम से दूसरों के राइट्स को हर्ट नहीं कर सकता था। इन शॉर्ट, इन्होंने एक ऐसी सोसाइटी की कल्पना की जिसमें सभी लोग एक परिवार की तरह रहते हों, एक दूसरे की मदद और समर्थन करते हों। इन्होंने न केवल इक्वालिटी का प्रचार किया बल्कि इसको अपनी खुद की लाइफ में इम्प्लीमेंट भी किया। इन्होंने इसे समझाते हुए कहा, ही हिमसेल्फ क्रिएट्स, ओ नानक ही एस्टैब्लिशेस द वेरियस क्रीचर्स, हाउ कैन एनीवन बी कॉल्ड बैड, देयर इज वन लॉर्ड एंड मास्टर ऑफ ऑल, ही वॉचेस ओवर ऑल एंड असाइंस ऑल टू देयर टास्क, सम हैव लेस एंड सम हैव मोर, नो वन इज अलाउड टू लीव एम्प्टी। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आई होप आपको गुरु अंगद देव जी की लाइफ का ये शॉर्ट ओवरव्यू पसंद आया होगा। अगर सिक्खी के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कंसिडर फॉलोइंग आर इंस्टाग्राम पेज @SikhRealm। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।